हेलो सिविल इंजीनियर्स, मेरा नाम है शाजिब। आई एम प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इंजीनियर और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम देखने वाले हैं कि अगर हमें स्टेयर केस का स्टील लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे। इसको मैं आपको ड्राइंग से दिखाऊंगा, आपको साइड वीडियो से दिखाऊंगा और एनिमेशन से भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और आपको समझ आएगा कि कैसे इसमें बार्स हम लगा रहे हैं। आपकी चाहे लॉन्गिट्यूडनल बार्स हो या फिर आपके बाइंडर्स हो या फिर आपकी कोई भी एक्स्ट्रा बार है, वो किस तरीके से साइड पर लगाई जाएंगी, तो आपको यहाँ वीडियो में सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए आप और हमारे रेनफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपको देख रखा है टॉप व्यू, ठीक है। यहाँ पर आप इजीली टॉप व्यू देख पा रहे हैं, ये आपको टॉप व्यू दे रखा है। सबसे पहले मैं आपको ड्राइंग दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आपको टॉप व्यू दे रखा है, टॉप व्यू में आपको इस तरीके से स्टेयरकेस दिखेगा, लेकिन टॉप व्यू में आपको बार की डिटेल्स नहीं मिलती है। तो बार की डिटेल्स देखने के लिए हमें सेक्शन व्यू देखना है। सेक्शन व्यू में हमें देखना है कितनी तरीके की हमारी बार्स लग रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेक्शन व्यू देखने की कोशिश करेंगे और यहाँ आप देखेंगे सेक्शन व्यू में कि आपको बार्स मिल जाती है, यहाँ पर कौन कौन सी आपकी बार्स लग रही है। तो यहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ और मार्क करने के बाद आपको दिखाऊंगा कि जब आप देखेंगे एक्चुअल साइड पे कैसे लगेगी आपकी बार, तो वहां आपको समझ में आएगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ। आपकी लॉन्गिट्यूडनल बार्स लगेंगी, जिसको आप मेन बार्स बोलेंगे, और वो कंटिन्यूसली जहां से आपकी वेस्ट स्लैब स्टार्ट हो रही है, यानी कि आपकी जहां से भी स्टेयरकेस स्टार्ट होगा इंक्लाइंड डायरेक्शन में रहेगा, तो आपकी जहां से भी स्टार्ट होगा जहां तक ये जाएगी बार्स आपकी, ये सारी आपकी लॉन्गिट्यूडनल बार्स है। तो ये आपकी जो इंक्लाइन डायरेक्शन में जो स्लैब है, वेस्ट स्लैब में जाकर के फिर लैंडिंग में जाएगी और लैंडिंग के बीम में जाकर के एंड हो जाएगी इस तरीके से। तो ये जो आप रेड यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल बार है। अब इसको हम देखेंगे ये कैसे लगेगी, साइड पे कैसे लगेगी। तो वीडियो के थ्रू मैं इसको समझाता हूँ आपको। देखिए इस तरीके से आपकी ये जो ग्रीन बार्स है, सारी आपकी लॉन्गिट्यूडनल बार्स, ये इस तरीके से जा रही है, यहाँ से स्टार्ट होंगे। ये आप इजिली इसको देख सकते हैं, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से इस तरीके से स्टार्ट हुई, फिर ये इंक्लाइन डायरेक्शन में जाएगी ऐसे, और फिर यहाँ पर ये लैंडिंग में जाएगी और यहाँ से कंटिन्यू होके ये इस बीम में जाकर के एंड हो जाएंगी स्ट्रेट। तो इस तरीके से ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल बार्स है, जिसको हम मेन बार्स बोल रहे हैं। ये आपकी एक जहां से आपका वेस्ट स्लैब स्टार्ट हो रहा है, जहां से स्टेयरकेस स्टार्ट हो रहा है और जहां पर जाकर एंड हो रहा है, ठीक है। दो वेस्ट स्लैब रहेंगी आप स्टेयरकेस में, तो एक वेस्ट स्लैब की आपकी बार्स इस तरीके से लग रही है, यानी कि जहां से वो स्टार्ट हो रही है, जहां से ज्वाइंट कर रहे हैं जिस बीम से, और दूसरे जिस बीम तक जा रही है वहां तक हमने इसको ज्वाइंट कर रखा है, तो इस तरीके से ये लग रही है, ठीक है। तो ये आपको ड्रॉइंग में कैसे मिल रही है, वो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर। तो ड्रॉइंग में ये यहाँ पर आपको इस तरीके से दिख रही है, ये जो मैंने आपको दिखाई है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ऐसे जाएगी और लैंडिंग के बीम में जाकर के एंड हो जाएगी, इस तरीके से ये बार्स लग रही है। अब इसके बाद आपके लगेंगे बाइंडर्स। बाइंडर्स आपको सेक्शन में कैसे दिखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। और यहाँ देखिए, ये सारे के सारे जो बाइंडर्स हैं वो आपको डॉट्स में दिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं इजिली, ये सारे बाइंडर्स आपको डॉट्स में दिख रहे हैं। बाइंडर्स क्या है, जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार है उसको हम बाइंडर्स बोल रहे हैं यहाँ। तो सारे बाइंडर जो है, जो आपकी नीचे से जो बार्स जा रही है उसके ऊपर आपके बाइंडर्स लगेंगे। अब इसके बाद ये सारे बाइंडर्स लग गए, यहाँ देखिए आप इजीली आपके सारे बाइंडर्स यहाँ पर इसके ऊपर बाइंड कर दिए गए। ये सारे जो आपकी दूसरे डायरेक्शन में जो बार्स लग रही हैं, जो हम इस डायरेक्शन में जो बार्स लगा रहे हैं, ये सारे हमारे बाइंडर्स। तो ये सारे आपको डॉट्स में दिख रहे हैं, सेक्शन में जब आप देखेंगे तो ये आपको डॉट्स में देखेंगे, ये सारे आपके बाइंडर्स। तो यहां से लेकर के ये और ये ऊपर तक, यहाँ तक लग रहे हैं बाइंडर्स, इस तरीके से आपके बाइंडर्स लग गए। अब बाइंडर्स के बाद क्या होगा, अब हम एक्स्ट्रा बार्स लगाएंगे। तो एक्स्ट्रा बार्स हम पहले ड्राइंग में देखेंगे कैसे हमें दे रखी है, और एक्स्ट्रा बार्स देखने के बाद फिर हम यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हमारी एक्स्ट्रा बार्स लग रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आप, तो यहाँ पर आप देखिए आपकी एक्स्ट्रा बार्स कैसे लग रही है। आपकी ये एक्स्ट्रा बार्स है यहाँ पर इस तरीके से, और फिर आपकी एक्स्ट्रा बार्स यहाँ पर दे रखी है आपको। तो इसमें आपको बता रहा है कि दो तरीके की एक्स्ट्रा बार्स लगेंगी, जहां से आपकी वेस्ट स्लैब स्टार्ट हो रही है और इसके बाद लैंडिंग लेवल पर भी आपकी एक्स्ट्रा बार्स यहाँ लग रही हैं, ये आप देख सकते हैं। इसीलिए ये लैंडिंग बीम से आएगी और ये आपकी स्लैब में जाएगी, जो इंक्लाइन डायरेक्शन में स्लैब है, और उसके मिड पोर्शन में जाकर के एंड हो जाएगी। तो ये आपको बता रहा है कि दो तरीके की एक्स्ट्रा बार्स लग रही है, बॉटम में भी और टॉप में भी, और ये आपको डायमेंशन भी यहाँ पर दिखा रहा है कि कहाँ तक, किस डायमेंशन तक आपकी ये बार्स जाएंगी इस तरीके से। अब एक्स्ट्रा बार्स हम देख लेते हैं हमारी कैसे लगेंगे। अब देखिए एक्स्ट्रा बार्स लगाने से पहले हमें क्या करना रहेगा, अब डबल लेयर में हमारी बार लग रही है क्योंकि हम लॉन्गिट्यूडनल लगा चुके हैं, उसके ऊपर हमारी एक्स्ट्रा बार्स आ रही है, तो पहले हमें यहाँ पर चेयर लगानी है। तो पहले आपकी चेयर्स बार यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि आपका जो डबल मैश बन रहा है उसके बीच का जो गैप है वो मेंटेन रहे, बना रहे। तो इस तरीके से ये सारी आपकी चेयर्स लगा दी गई,
यहाँ पर देखिए ये सारी आपकी चेयर्स लग रही हैं। देखिए इस तरीके से आपकी चेयर्स लग रही हैं ताकि आपका जो बीच का जो गैप है वो मेंटेन रहे। तो यहाँ पर चेयर्स लगाने के बाद अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ देखिए सारी जगह आपकी चेयर्स लग गई। अब चेयर्स लगने के बाद आपकी एक्स्ट्रा बार लगेगी। देखिए इस तरीके से एक्स्ट्रा बार्स, तो जो एक्स्ट्रा बार्स लगा रहे हैं हम यानी कि जो हमारे एक्स्ट्रा जो बार्स हैं उसके नीचे बाइंडर्स आएंगे, पहले बाइंडर्स लगाए जाएंगे। अब ये बाइंडर्स आपको कहाँ मिलेंगे, इसके लिए फिर आपको ड्रॉइंग देखनी है और ड्रॉइंग में आपको बाइंडर्स इसके मिल जाते हैं। देखिए जब हम यहाँ आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी जो एक्स्ट्रा बार्स लग रही है उसके नीचे बाइंडर्स लगा रहे हैं और बाइंडर्स के ऊपर आपकी एक्स्ट्रा बार लग रही है। तो यहाँ देखिए ये सारे आपके बाइंडर्स लगे हुए हैं, ये सारे बाइंडर्स हैं आपके और इन बाइंडर्स के ऊपर आपकी जो एक्स्ट्रा बार्स हैं वो सारी लग रही हैं और ये आपकी इस तरीके से यहाँ सेक्शन में दिख रही हैं आपको। जब आप इसको देखेंगे वीडियो से देखेंगे आप समझेंगे तो आपको ये कैसे दिख रही हैं यहाँ, इसको हम देखते हैं। चलिए तो देखिए अब यहाँ पर आपको दिखेंगे डबल बाइंडर्स। देखिए एक आपका बाइंडर ये लग रहा है ठीक है और इसके नीचे ये लगा हुआ है बाइंडर्स, डबल बाइंडर्स लग रहे हैं सारी जगह आप देख सकते हैं। ये आपके सारे डबल बाइंडर्स लग रहे हैं, लेयर में लगा रहे हैं हम यहाँ पर। तो जहां आपका जॉइंट से जहां पर जंक्शन है यानी कि जहां से स्टार्ट हो रही है स्लैब स्टेयरकेस की जहां पर एंड हो रही है वहां दोनों जगह आपको डबल बार्स यानी कि एक्स्ट्रा बार्स यानी कि लेयर में बार्स लगानी है। और बीच वाले पोर्शन में आप देखते हैं यहाँ पर लोड ज्यादा नहीं आएगा तो इसलिए इसको सिंगल हमने छोड़ रखा है। यहाँ पर सिंगल आपकी सिंगल मैश लग रहा है लेकिन यहाँ आपका दोनों पॉइंट पे ऊपर और नीचे आपका डबल मैश लग रहा है। तो जैसे ये आपने बाइंडर्स लगाए, इस बाइंडर्स लगाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे अब आपकी एक्स्ट्रा बार्स लगेंगे। अब देखिए ये रेड बार्स जो है आपकी एक्स्ट्रा बार्स है, यहाँ पर ये आपकी एक्स्ट्रा बार्स लग गई। अब इजिली आप देख सकते हैं इसमें ये सारी आपकी जो रेड बार्स है वो आपकी एक्स्ट्रा बार्स, ये देखिए ये आपकी एक्स्ट्रा बार्स लग गई ठीक है। इसको मैं कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ, ये आपकी सारी एक्स्ट्रा बार्स लग रही है इस तरीके से। तो ये दोनों पॉइंट पे लगेंगे, यहाँ पर भी लग रही है जहां से आपका स्टार्ट हो रहा है और आपका जो लैंडिंग है उस लेवल पे भी आपकी एक्स्ट्रा बार्स लगेगी यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वे में ठीक है। तो डबल बाइंडर्स और डबल आपकी लॉन्गिट्यूडनल वे में बार्स लग रही है। मिड पोर्शन में आपके ना डबल बाइंडर्स लगेंगे ना आपकी ये वाली बार कंटिन्यूसली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएंगे ठीक है। जहां पर आपकी डबल लॉन्गिट्यूडनल बार्स है सिर्फ वहीं पर आपके डबल बाइंडर्स आएंगे। अब इसको हम आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब हम लैंडिंग लेवल पे आ गए, तो बीच में हमने इसको छोड़ दिया सिंगल मैश है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आपकी डबल बार्स दोबारा से लग रही है, ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ ये बार्स अब आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है ऐसे और ऐसे जा करके ये इसमें एंड हो जाएगी, ये एंड हो रही है। अब ये साइड के हिसाब से रहेगा अलग अलग चेंज, जो बीम में जाकर के एंड हो रही है तो यहाँ पर स्ट्रेट हमें दिखा रहा है, कहीं पर ये हो सकता है कि एल शेप में एंड हो रही हो, कहीं पर आपकी स्ट्रेट एंड होगी तो वो आपको ड्राइंग में दे रखा होगा। तो ये आपकी इस तरीके से ये जाकर के सारी की सारी जो बार्स हैं वो यहाँ पर एंड हो रही है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये ऐसे जाकर के एंड हो रही है अंदर बीम में। तो डबल बार्स लग गई यहाँ पर। अब जो ड्राइंग में हम देख रहे हैं तो ड्राइंग से और यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस ये है, आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर सिंगल आपको दिखा रहा है, मतलब कि जो डबल बार्स हैं वो सिंगल एक ही टाइप के दिखा रहा है, लेकिन हम जब ड्राइंग में देख रहे हैं तो ड्राइंग में आपको दो अलग तरीके की बार्स दे रखी है, यानी कि एक बार्स तो ये लग गई और इसके साथ एक बार एक तरीके की बार्स और लग रही है यहाँ पर, ये थोड़ा ऊपर होके इस तरीके से जाएंगे ऐसे लगेंगी ठीक है। इसके साथ साथ ये सारी बार्स इस तरीके से लगेंगे ऐसे लगेंगे। अब इसको ड्राइंग में हम देखेंगे तो यहाँ हमें ड्राइंग में मिल जाएंगी ये। अब यहाँ आप देखेंगे तो आपको दो तरीके की बार्स दिख रही है, एक तो आपकी ये 1000 mm आपको दिखा रहा है और एक इसके नीचे आपको दिखा रहा है यहाँ पर 600 mm तक ठीक है। और ये कंटिन्यूसली ऐसे जा रही है एंड तक ठीक है, और ये वाली भी आपकी कंटिन्यूसली लैंडिंग में जाकर के लैंडिंग बीम में एंड होगी। तो इस तरीके से आपको दिखा रहा है, तो कहीं पर आपकी सिंगल हो सकती है कहीं पर आपकी डबल हो सकती है। जहां आपका कमर्शियल बिल्डिंग्स में आप स्टेयरकेस बना रहे हैं तो डबल बार्स आपकी हो सकती है, रेसिडेंशियल में सिंगल भी हो सकती है ठीक है। तो लेयर जरूर बनेगी लेकिन लेयर में भी दो तरीके की बार्स कहीं हो सकती है कहीं पर सिंगल तरीके की बार्स हो सकती है। तो आपके बाइंडर्स हो गए, जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार है जो शॉर्टर स्पान में आप लगा रहे हैं वो आपके बाइंडर्स है, बाकी आपकी लॉन्गिट्यूडनल बार्स लग रही है। तो इस तरीके से सारी बार्स आपकी लगेंगी। अब इसको हम यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए ये यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ साइड वीडियो से, तो ये देखिए यहाँ पर
आपकी ये बार्स लग रही है इस तरीके से, तो आप इजीली देख सकते हैं ये आपकी एक्स्ट्रा बार्स है जो कि सिर्फ यहाँ पर एंड हो रही है। यहाँ देखिए जो मैंने आपको बताया कि आपकी डबल लॉन्गिट्यूडल बार्स लगेंगी, तो ये सिर्फ यहाँ पर एंड हो जाएंगी और बाकी इसके साथ आप देख सकते हैं जो इसके नीचे से बाहर जा रही है वो कंटिन्यूसली ऐसे जा रही है। सारी जगह आप देखेंगे कि लेयर में बार लग रही है और ऐसे कंटिन्यूसली जा रही है। और इसके साथ में मैं आपको बाइंडर्स और दिखाऊंगा, तो यहाँ बाइंडर्स देखेंगे, देखिए एक तो नीचे लेयर में लग रहा है बाइंडर ये, ठीक है, और एक इसके ऊपर बाइंडर आएगा। देखिए यहाँ पर इस पॉइंट से देखिए आपका एक नीचे से बाइंडर जा रहा है और एक बाइंडर इसके ऊपर आ रहा है, यानी कि लेयर में लग रहा है सारी जगह। यहाँ भी देख सकते हैं आप, आपके सारे सारे जो बाइंडर्स हैं वो डबल लेयर में लग रहे हैं। देखिए यहाँ, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये सारे डबल लेयर्स में लग रहे हैं। इसको आगे मैं कंटिन्यू करके दिखाता हूँ आपको। देखिए अब जहां पर आप देख रहे हैं कि जो मिडिल पोर्शन है, तो मिडिल पोर्शन पे आपकी बार्स जो है वो सिंगल रहती है। यहाँ देखिए मिडिल पोर्शन पे आपकी सिंगल बार्स रहेंगी। ये देखिए यहाँ पर आपकी सिंगल बाइंडर्स और सिंगल बार्स जा रही है यहाँ से, ठीक है, और यहां तक जो है वो आपका डबल पोर्शन है। यहाँ पर डबल बाइंडर्स, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आप कह सकते हैं ये आपका डबल पोर्शन है। तो यहाँ पर आपके डबल बाइंडर्स आएंगे और डबल आपके लॉन्गिट्यूडल बार्स आएंगे। इसके बाद इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें बहुत इजीली कि आपकी लैंडिंग लेवल से भी डबल बार्स लग रही है। ये देखिए ये इस तरीके से आपकी बार्स लग रही है, ये यहाँ से लैंडिंग लेवल से आ रही है और ये ऐसे नीचे को जा रही है, ठीक है। और ड्राइंग के हिसाब से हम देख रहे हैं तो यहाँ पर आपकी ये बार्स इस तरीके से, ये भी बार आ रही है ये, और ये ऐसे नीचे से होते हुए जा रही है, नीचे से होते हुए, ठीक है। और इसके साथ ये जो बार है कंटिन्यूसली वो ऐसे जा करके यहाँ से बेंड हो रही है। तो कितनी अलग अलग तरीके की यहाँ पर बार्स लग रही है, जैसे मैंने आपको बताया जो आपकी इस डायरेक्शन में जो बार जाएंगे वो तीन तरीके की हो सकती है, दो तरीके की हो सकती है। तो यहाँ पर इस स्टेयरकेस में बिल्कुल आपकी जो ड्राइंग है जिसमें आपको तीन तरीके की बार्स दिखा रखी है उस तरीके से आपकी बार्स लग रही है। और इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका मिडिल पोर्शन है, इस पोर्शन में आपकी आपका सिंगल मैश है, आपके सिंगल बाइंडर्स है और सिंगल आपकी बार्स है। यहाँ देखिए आप, देखिए इस पोर्शन में ये आपका मिडिल पोर्शन है, इस पोर्शन में आपका सिंगल बाइंडर सिंगल बार्स लग रही है, लेकिन उसके नीचे और यहाँ पर यानी कि जो आपका लैंडिंग लेवल है, लैंडिंग लेवल पर भी आपकी जो बार्स है वो सारी जगह डबल डबल हो जाती है। यहाँ देखिए ये सारा आपका जो है, ठीक है, और डबल बाइंडर्स आपके लगेंगे, डबल लेयर में आपकी सारी चीजें यहाँ पर लग रही है, ठीक है। यहाँ देखिए आप, आपके जो बाइंडर्स है वो भी लेयर में लग रहे हैं। ये देखिए एक बाइंडर्स नीचे से जा रहा है आपके और एक बाइंडर इसके ऊपर आ रहा है, ये देखिए लेयर में लग रहा है। तो सारी चीजें यहाँ पर लेयर्स में लग रही है। इसी तरीके से आपको सारी चीजें ड्राइंग में दे रखी हैं जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इजीली कि आपकी, आप देखेंगे बॉटम पार्ट से तो आपकी एक बार तो कंटिन्यूअसली बाहर जा रही है, जो कंटिन्यूअसली बाहर है वो मैं आपको यहाँ से फिर से दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ही आपकी कंटिन्यूअस बाहर लग रही है, ये ऐसे जाकर के एंड हो रही है। इसके बाद आपकी बार्स लग रही है यहाँ पर, दो तरीके की बार्स एक्स्ट्रा लग रही है नीचे से जो ऐसे लॉन्गिट्यूडनल वे में जा रही है लेकिन यहाँ पर एंड हो जाएंगी और ये यहाँ से ऐसे आकर के एंड हो जाएंगी। सेम हम लैंडिंग साइड देखेंगे तो ये एक बार छोटी है थोड़ी सी और ये इस तरीके से आ रही है नीचे से और एक बार आपकी ऊपर से आ रही है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। और फिर इसके बाद आपके बाइंडर्स लग रहे हैं, तो हम बीच वाले पोर्शन में देख रहे हैं सिंगल बार्स और सिंगल बाइंडर्स, यहाँ पर आपके सिंगल बाइंडर्स, ठीक है, यहाँ पर आपके डबल नहीं है, सिंगल बाइंडर्स है क्योंकि सिंगल बार लग रही है तो सिंगल बाइंडर्स लगेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं जहां पर हमारी एक्स्ट्रा बार्स लग रही है वहां पर हमारे डबल बाइंडर्स है, ऊपर भी है नीचे भी है, ऊपर भी है नीचे भी है, यानी कि आपके लेयर में बाइंडर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी जो बार्स है वो किस तरीके से यहाँ लग रही है। बहुत इजिली आपको यहाँ पर मैंने आपको दिखाया साइड वीडियो से, एनिमेशन से, ड्रॉइंग से कि कैसे कैसे आपकी बार्स लगेंगी। तो आई होप सारी चीजें बहुत अच्छे से यहाँ पर आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे रेनफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फेलो सिविल इंजीनियर्स के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।